Oh hey everyone, welcome to my channel and welcome to a new blog. Hope so you all are doing super duper great. So आज का ये blog होने वाला है पूरा dedicated कर रही हूँ मैं hostel tour के लिए. जो सामने आपको दिख रहा है ये hostel का main gate है और जो left right में road दिख रही है वो campus की तरफ जाती है. So चलिए फिर video को start करते हैं. Say hello bro. Say good morning. सो गाइज ये है रजिस्टर्स जिसमें हम अपनी एंट्री और एग्जिट सब डालते हैं. और यहाँ से जो ये मेन गेट है इससे यहाँ पे से तीन रास्ते हैं. एक ये इस तरफ मेरे हॉस्टल के लिए, फिर दूसरे हॉस्टल के लिए और ये तीसरे हॉस्टल के लिए. चलो स्टार्ट करते इस वाले तरफ से क्योंकि ये एक ही हॉस्टल है इस तरफ. और यहाँ पे जो ये इस तरफ दिख रहा है वो वार्डन मैम का घर है. ये वाला एरिया खाली पड़ा हुआ है. अगर इस वाले एरिया में बहुत कुछ करे तो अच्छा है ना. ऐसे पार्क पुर्क या ओपन जिम काइंड ऑफ बना दे तो बहुत बेटर रहेगा. सो गाइज ये है हॉस्टल नंबर 1. इसका नाम है मंदाकिनी. पर इस हॉस्टल में कुछ लिखा क्यों नहीं है? अंदर लिखा वाले कहाँ पे? नहीं गाइज इस पे लिखा नहीं है. बाकी सारे हॉस्टलों पे लिखे हुए हैं उनके बाहर से कि कौन कौन सा हॉस्टल है. ये है मंदाकिनी है ना, जिसके बारे में मैंने बहुत बातें की है. मतलब बहुत सारे हॉस्टल जो मैंने बोले हैं 6 हॉस्टल अंदर, उनमें से एक ये मंदाकिनी है. और मंदाकिनी के जो सामने है ये वार्डन मैम के घर, मतलब क्वार्टर्स हैं इनके. और ये 2 सीटर है. प्लस यहाँ पे सिर्फ ये वाला हॉस्टल MSc वालों को ही अलॉट होता है. सिर्फ MSc वाले ही रहते हैं ज़्यादातर यहाँ पे. और 2 सीटर है ये. चलिए चलते हैं दूसरी तरफ. तो गाइज ये वाला हॉस्टल डन. अब चलते हैं इस तरफ. सामने ये नंदा देवी है. क्या हो गया? तो तुझे आज पता चल रहा है? तो गाइज देखी कुंडी और उधर वो भी. तो तुझे इतने सालों से यही तो था, ये कभी नहीं देखा था तूने? तो ये हॉस्टल का क्या क्या सीन है, इस मतलब इसके अंदर क्या क्या है, कितने कितने कैसे कैसे छात्राएँ रहते हैं. तो गाइस ये जो सामने दिख रहे हैं ये आम के पेड़ हैं. इन आम के पेड़ों से हमने बहुत आम तोड़े थे सीज़न के टाइम पे. और चलिए फिर चलते हैं. तो गाइस ये है नंदा देवी रिसर्च हॉस्टल. ये PhD वालों के लिए है सिर्फ. और ये सिंगल सीटर है, लाइक मतलब 2 लोगों का, सॉरी नहीं, हाँ अलग अलग सेपरेट रूम है और कॉमन वॉशरूम है इसमें. और जितने मैंने अभी तक आपको हॉस्टल बताए सबके कॉमन वॉशरूम है. इसमें भी कॉमन था, मंदाकिनी में भी कॉमन है. और ये रहा हॉस्टल. यहाँ पे सिर्फ PhD वाली मैम्स रहती हैं. और बाकी मैंने जैसे कि बताया था आप लोगों को कि PhD वालों के भी 2 हॉस्टल हैं और UG के लिए भी 2 हॉस्टल हैं और PG के लिए भी. चलिए अब ये इस तरफ और भी हॉस्टल्स हैं, मतलब इसी रास्ते से आके और भी इस तरफ हॉस्टल है, वो भी आप लोगों को दिखाती हूँ. अभी रिया गई है चाय लेने, उसका वेट कर रही हूँ मैं, फिर चलते हैं. तो गाइज़ यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट है. यहाँ पे हम शाम को चाय पी सकते हैं. बट यहाँ पे बहुत सारा घास हो रहा है. कुछ दिन पहले ही घास से काटा था, फिर बढ़िया बहुत मच्छर हो रहे हैं. और मैं मच्छर ने काट काट के मेरा हाथ बहुत सूजा दिया है. ये खाली स्पेस है इस तरफ भी, उस तरफ भी. इस तरफ तक था. अब चलते हैं. बहुत यहाँ पे वो है बैंक्स काफ़ी. ये जो हॉस्टल मैंने आगे से दिखाया था मंदाकिनी, ये पीछे से देख लीजिए. क्या है वो, आम है या नींबू है? नींबू. इतने बड़े हो गए वो तो इतने जल्दी. ये उन लोगों के मेस का, इधर मेस वाले हैं. तो गाइस ये है गंगा, ये भी PhD वालों के लिए है. ऊपर लिखा हुआ है इस पर. ये भी सिंगल सीटर है बट इसमें यह है कि 2 PhD वाले का रूम अटैच है एक दूसरे से, प्लस 2 जनों को एक वॉशरूम यूज़ करना पड़ता है. इसमें यही है सिर्फ. बाकी दिस इज सरस्वती हॉस्टल. ये भी PG के लिए. ये वाला ये भी 2 सीटर है ना. और इन सब के कॉमन वॉशरूम्स होते हैं मंदाकिनी और ये, और ये सरस्वती और मंदाकिनी. यही 2 हॉस्टल हैं जो PG के लिए प्लस 2 सीटर है और कॉमन वॉशरूम है. रिया मैम भाई वहाँ पे झंडा लगा रखा है, ये कब लगाया ऐसे? लगा. हाँ लगा
हमें भी लगा होगा, हमने देखा नहीं भाई। तो गाइज आज 15 अगस्त है, 15 अगस्त के दिन मैं ये ब्लॉग शूट कर रही हूँ, तो इसलिए इन्होंने झंडा लगाया। कुछ दिन तक ये लगा के रखेंगे, उसके बाद उतार देंगे। चलो चलते रहिए मैम। ये अमरूद भी हो रहे हैं यहाँ पे, काफ़ी ग्रीनरी ग्रीनरी है, मतलब वेल मेंटेन्ड है अंदर तो। तो चुप रहे यार, अभी इन्होंने परसों काटे थे, फिर ये उग गए। चलो ये फूल ले लेते हैं हम लोग। गाइस ये तो दिखा दिया मैंने, अब चलते हैं यूजी वालों के हॉस्टल देखने। ये है सामने हमारी नंदा, ये गंगा, वो सरस्वती, ये मंदाकिनी। चलो अभी यमुना और भागीरथी देखने चलते हैं। ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन डन है, अब नाउ मूव टू दिस साइड। और यहाँ पे बहुत सारे पार्सल रखे रहते हैं, जो बच्चे मतलब यहाँ पे हॉस्टल में नहीं है और उनके पार्सल आ गए तो वो यहाँ पे रखवा देता है। दीदियों से बातचीत कर लेता तो हमें गाड़ी मिल जाएगी। तो गाइस ये सबसे अमीर हॉस्टल है, जिसमें कि जो रहने वाले यहाँ पे पीएचडी वाले मैम लोग, उन पे गाड़ी है। और हमारा हॉस्टल सबसे गरीब है, हमारे हॉस्टल में एक भी बच्चे पे नहीं है गाड़ी, बताओ। जबकि भागीरथी में भी गाड़ी है, हाँ साइकिल भी नहीं। भागीरथी वालों पे साइकिल भी है भाई, तो गाइस हम लोग सबसे गरीब हॉस्टल में। सो गाइज दिस इज भागीरथी महिला छात्रावास, तो ये गर्ल्स हॉस्टल है यूजी प्लस पीजी के लिए। यहाँ पे यूजी की लड़कियाँ ज़्यादा रहती है, पीजी की भी रहती हैं बट उतनी नहीं रहती। शायद जब वहाँ पे सीट फुल हो जाती है तो यहाँ भेज देता है ना बच्चों को, यहाँ पे सीट बच जाती है तो यहाँ भेज देता है। और बाकी यहाँ से अंदर है मेरा हॉस्टल, जो मेरा और रिया बहन का हॉस्टल है। सो गाइज ये है अमीरों का हॉस्टल, ये है यमुना गर्ल्स हॉस्टल, ये सबसे नया हॉस्टल है। देखना राइम करा, अमीरों का हॉस्टल, यमुना गर्ल्स हॉस्टल। तो गाइज ये यमुना गर्ल्स हॉस्टल है जो कि सबसे नया है अभी। सब सारे जितने भी हॉस्टल मैंने आपको 5 दिखाए, 5 में से सबसे नया चमकता धमकता हॉस्टल यही है। बोर्ड भी लगा, बोर्ड उस तरफ लगा है, बहुत ऊपर है। गाइज लेट मी शो यू, यहाँ पे देखिए एक भी गाड़ी खड़ी नहीं है। यह है यमुना गर्ल्स हॉस्टल और ये भी 3 सीटर है। प्लस यहाँ पे कॉमन वॉशरूम है, ये मत एक्सपेक्ट करना कि यहाँ पे हमारा खुद का वॉशरूम होगा, क्योंकि पिछली बार एक बच्ची आई थी मेरे पास जब रुकने, तो उसने ये बोला दीदी वॉशरूम किस तरफ है, दरवाज़ा हिला रही। मैंने कहा भाई बाहर है। तो गाइस ये है बोर्ड टंगा हुआ यमुना गर्ल्स हॉस्टल का, और हमारे छत पे फ्लैग नहीं पड़ा यार, पीछे की साइड होगा, नहीं होगा पीछे की साइड, यहाँ पे डंडा है यार, मैंने देखा है। हाँ। वो देख वो डंडा है। हाँ। तो गाइस हमारे नहीं पड़ा हुआ है, ऐसा तो नहीं पता नहीं यार, मैडम को आई फ्लू हो रखा है। गाइस तो गाइस हम लोग अंदर का भी देंगे, लाइक मैं अंदर का भी दूँगी आपको, बट आपको उसके लिए वेट करना पड़ेगा, करनी पड़ेगी। चल चाय पीते हैं। सो गाइस ये था मेरा हॉस्टल टूर, होप सो आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। और जितना मैं मतलब दिखा सकती थी उतना मैंने हॉस्टल दिखाया, हॉस्टल्स दिखाए। सो ये जो हॉस्टल मैंने जो आपको दिखाया वो मेन कैंपस है, जो मतलब चौरास का कैंपस है, चौरास के कैंपस के अंदर ही है। बाकी 2 हॉस्टल और हैं, गर्ल्स हॉस्टल अलकनंदा, वो है बिरला कैंपस में। यहाँ पे 6 हॉस्टल जो थे, 6 के 6 मैंने आप लोगों को दिखा दिया। और जितना मैं कर सकी मैंने उतना किया, जो आप लोग ये वीडियो शेयर कीजिए जो नए स्टूडेंट्स आने वाले हैं एच एन बी यू में, ताकि उनको हॉस्टल का थोड़ा रहे आइडिया कि कितना कैसा क्या है। सो बस आज के लिए इतना ही था, होप सो आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और ढेर सारा प्यार देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप लविंग। सो स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड बाय।